हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 23 के एक्सरसाइज 23A क्वेश्चन नंबर 6 से। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1-5 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद लेंथ 24 एंड इट्स डायगोनल 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल है, हमने सपोज का नेम ले लिया ए बी सी डी, ये हमारी रेक्टेंगल हो गई। यहाँ पे आपको पता है 90 डिग्री का एंगल होता है, रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। हमें लेंथ कितनी दी हुई है 24 और ब्रेथ कितने, ये जो डायगोनल है कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। देन अब हम क्या करेंगे, जैसे आपको सबको पता है कि ए बी सी, यहाँ पे अगर हम ये डायगोनल ड्रॉ कर दें तो ये बन जाएगी एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल है। और सेम ऐसा क्वेश्चन हमने अपने लास्ट वीडियो में भी किया था, और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो एक बार आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, आपको फर्स्ट 5 क्वेश्चंस भी इजीली समझ आ जाएंगे। और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेपरेटली भी दे दूंगी, बट आपको अगर आप क्लास 7 की प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास वो सारी वीडियोज आ जाएंगी जो क्लास 7 सेलिना बुक में से मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड की हुई हैं। अब देखिए, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम कब लगती है, जब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस स्केयर इज इक्वल टू, ये होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। तो हाइपोटेनियस का नेम क्या है, इस लाइन का ए सी, तो हमने ए सी लिख दिया। इस लाइन का नेम है ए बी एंड देन बेस है आपके पास बी सी। जो वैल्यूज हैं आपको पुट करनी है, ये है 25, यहाँ 25 स्केयर आ गया ए बी एज इट इज, क्योंकि हमारे पास इसकी लेंथ नहीं है। और बी सी आ गया 25 का स्केयर मीन्स उसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 25 × 25 625। देन ए बी स्केयर एज इट इज आ जाएगा आपके पास, और हम यहाँ पे लिख देते हैं 24 का स्केयर 24 × 24 576। अब आपको क्या करना है, देखिए ये नंबर इस साइड प्लस हो रहा है, दूसरी साइड आके ये क्या हो जाएगा माइनस। जब भी आप लेफ्ट से राइट लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड या राइट से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं तो साइन चेंज होते हैं। अब देखिए ए बी स्केयर क्या आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास माइनस करके आ गया 49। अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी सिखाया था कि स्केयर मीन्स दूसरे नंबर के ऊपर स्केयर रूट, तो उसका स्केयर हटके यहाँ क्या बन गया, स्केयर रूट। अब ऐसा कौन सा नंबर इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और 49 आ जाए, वो नंबर है 7। तो हमारा आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर, ये आ गई आपकी ब्रेथ। अब ध्यान से देखना है आपने यहाँ पे कि हम इसको कैसे करेंगे। अब आगे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, हमने तो अपनी ब्रेथ फाइंड कर ली, हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आप सबको आता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 × लेंथ कितनी है 24 और ब्रेथ आ गई 7। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं 31, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 62 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर इन दिस रेशियो। अब देखिए लेंथ एंड ब्रेथ आपको दी हुई है रेशियो में, तो हम यहाँ पे कैसे ले लेंगे, मैंने लिख लिया रेशियो आपको दी हुई है 5:3। तो लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड बी 5x एंड ब्रेथ को क्या ले लिया हमने 3x। तो लेंथ हो गई हमारी, ये देखिए यहाँ पे हमने लेंथ लिख दिया, लेंथ हो गई 5x और ब्रेथ हो गई आपके पास 3x। जैसे ही रेशियो में दी होती है ना हमारे पास, तो हमें तो वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो आपको हमेशा x का सपोज करना है। तो हमारी लेंथ आ गई 5x और ब्रेथ आ गई 3x। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि मेनली हमसे क्या पूछा है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने हमें दिया हुआ है इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग आप सबको पता है पेरीमीटर होता है कि उसकी बाउंड्री पे क्या लगाना है। अगर हम किसी भी फिगर की बाउंड्री पे कुछ कर रहे हैं, कोई प्लॉट है हमारे पास रेक्टेंगुलर जैसे स्क्वायर, अगर बाउंड्री पे कुछ लगा रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं, तो पेरीमीटर निकालना होता है। इट एट द रेट ऑफ 48 पर मीटर फॉर रुपीज दिस, मतलब टोटल 19,200 रुपीज का कॉस्ट आई है। अगर 1 मीटर की कॉस्ट है 48 रुपीज, हमें फाइंड करनी है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ दिस प्लॉट। जो हमारे पास लैंड दी है उसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी लिख लिया कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी हुई है, कॉस्ट पर मीटर भी दी हुई है। अब हम लेते हैं एक छोटी सी एग्जांपल, सपोज अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके पास 200 रुपीज हैं टोटल, और आप एक शॉप में गए और आपने वहाँ से सेम टाइप के पेन्स बाय किए, और वो जो पेन आपने बाय किए उसमें 1 पेन की प्राइस थी 20 रुपीज, ठीक है, 1 पेन की प्राइस थी 20 रुपीज। तो हाउ मैनी पेन्स यू हैव बाउट, तो आप बोलोगे कि मैम हम 200 को 20 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 10 पेन्स।
इट मीन्स जब आपके पास टोटल कॉस्ट गिवन होती है और वन के लिए भी पता होता है कि वन इतने का आएगा तो हम दोनों को डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटीज नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसा ही हुआ, हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दी थी 19,200 और हमें कॉस्ट पर मीटर भी दी हुई थी कि वन मीटर के लिए इतने आते हैं, तो फेंसिंग कितनी हुई? तो फेंसिंग जिसको आप पेरीमीटर भी बोल सकते हो, आप इसको लिख सकते हो लेंथ ऑफ फेंसिंग एंड पेरीमीटर, कि उस जो लैंड है उसका पेरीमीटर क्या होगा, तो वो आएगा इन दोनों को डिवाइड करने से। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं टू के टेबल में, टू फोर टू टू ज़ा टू फोर ज़ा टू नाइन ज़ा सिक्स एंड डबल ज़ीरो टू ट्वेल्व ज़ा टू फोर ज़ा टू एट ज़ा ट्वेल्व वन ज़ा ट्वेल्व फोर ज़ा, तो आपके पास आ गया 400 मीटर। अब ध्यान से देखिए 400 मीटर, क्योंकि हमारे पास जो कॉस्ट थी ना वो पर मीटर थी, 48 रुपीस पर मीटर थे, तो आंसर भी मीटर में आएगा। तो इट मींस जो हमारा प्लॉट है उसका पेरीमीटर कितना, हम यहाँ पे लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ लैंड, रेक्टेंगुलर लैंड है जो हमारी 400 मीटर। व्हाट इज़ द फॉर्मूला? दैट इज़ 2 × L + B, दैट इज़ 400। लेंथ कितनी है हमारी? 5x। देखिए हमने यहाँ पे सपोज की थी 5x, एंड ब्रेथ कितनी है आपके पास? ब्रेथ है 3x। तो हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 × 5 + देखिए लाइक वेरिएबल को आपको पता है प्लस करते हैं, तो 5x + 3x हो गया आपके पास 8x। देन नेक्स्ट स्टेप में 2 × 8 = 16, यहाँ आ गया 16x = 400। देन अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा, x = 400/16। देखिए जब भी आपके पास यहाँ पे x और 16 में क्या रिलेशन है कि 16x के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इट मीन 16x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 16 तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमें इनको डिवाइड कर देना है, जैसे सपोज पहले मैं 2 के टेबल में ले लेती हूँ, ये 100 आ गया, यहाँ 4 × 4 = 1 × 4 = 25, तो x आ गया हमारा 25। अब हमें फाइंड करनी थी लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ आपकी कितनी थी, लेंथ आपने सपोज की थी 5x, दैट इज 5 × 25, तो आपके पास आ गया 125 मीटर। अब हमें फाइंड की थी ब्रेथ, ब्रेथ कितनी थी हमारी, दैट इज 3x, तो इट मीन्स 3 × 25 कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके 75 मीटर। तो लेंथ आ गई हमारी 125 मीटर एंड ब्रेथ आ गई 75 मीटर। एंड आई होप ये क्वेश्चन आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। इन केस कभी भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे हमें दिया हुआ है अ वायर इज इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। एक वायर है जिसको स्क्वायर की शेप में बेंड कर दिया और उस स्क्वायर की साइड है 20 सेंटीमीटर। इफ द वायर इज रीबेंड इनटू अ रेक्टेंगल, उसी वायर को दोबारा रेक्टेंगल बना दिया और उस रेक्टेंगल की लेंथ बता दी हमें 24 सेंटीमीटर, हमें फाइंड करनी है उस न्यू रेक्टेंगल की ब्रेथ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपने इस क्वेश्चन में समझना है वो ये है कि जब आपके पास कोई सिंगल वायर होती है, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक वायर है और अगर मैं इस वायर को लेके एक स्क्वायर बना रही हूँ, तो जो इस वायर की लेंथ होगी, द लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपने अच्छे समझना है, लेंथ ऑफ वायर, क्योंकि इसी वायर से क्या बन गया ये स्क्वायर शेप, तो जो लेंथ ऑफ वायर होगी वो किसके इक्वल होगी, पेरीमीटर ऑफ फिगर जो भी उससे बनेंगी, पेरीमीटर ऑफ अपनी स्क्वायर बनाया तो स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल होगी। अब स्क्वायर की साइड हमें बताई हुई है 20 सेंटीमीटर, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है साइड ऑफ स्क्वायर 20 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला आप सबको आता है 4 × साइड, तो हम 4 × 20 कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। अब ये 80 सेंटीमीटर क्या है, स्क्वायर का पेरीमीटर। अब आप देखिए इसी वायर से इसको रीबेंड कर दिया है रिक्टेंगल में, तो उसी वायर को यहाँ से ओपन किया, अब बना दिया रिक्टेंगल, उस रिक्टेंगल की हमें लेंथ दी हुई है 24 सेंटीमीटर, हमें फाइंड करनी है ये ब्रेथ। अब जो इसकी लेंथ है, देखिए ये पेरीमीटर आ गया, जो पेरीमीटर स्क्वायर का होगा वही पेरीमीटर रिक्टेंगल का होगा, क्योंकि सेम वायर से बना, इट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रिक्टेंगल इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम वायर से बनी है तो दोनों के पेरीमीटर सेम होंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B = 80,
लेंथ हमें दी हुई है 24 पर ब्रेथ हमें नहीं गिवन। तो अब आपके पास टू वेज होते हैं इसको सॉल्व करने के। सिंपल लीनियर इक्वेशन हम क्लास 6 में भी बहुत डिटेल से सीख के आए हैं और क्लास 7 में भी हमने ऑलरेडी सिंपल लीनियर इक्वेशन का चैप्टर कर लिया हुआ है। तो देखिए हम टू वे से कर सकते हैं कि 24 को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर ले और 2 को b से भी कर दें, जहाँ पहले 2 को जाके इधर डिवाइड कर दें। दोनों वे से आप कर सकते हो। तो मैं पहले 2 को डिवाइड कर रही हूँ, देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ गया 40। देन 24 प्लस बी इज इक्वल टू 40। हमें तो ब्रेथ ही फाइंड करनी है। देखिए ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे 24 प्लस हो रहा है, इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस। तो आपके पास आंसर क्या आ गया 16 सेंटीमीटर। तो हमारी ब्रेथ आ गई 16 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने हमें बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, आप ध्यान से देखिए कि इफ पी, मतलब पी रिप्रेजेंट कर रहा है पेरीमीटर को, एल रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, एंड बी रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेथ को। तो फर्स्ट पार्ट में हमें पी फाइंड करना है, लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है। अब हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता ही है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर को पी से रिप्रेजेंट किया है, 2 इंटू लेंथ कितनी है 38 प्लस 27, देन 2 इंटू इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, हमारे पास आ गया 65। अब इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो आपके पास आंसर आ गया 130 सेंटीमीटर। हमें पी की वैल्यू निकालनी थी तो हमारे पास पेरीमीटर आ गया 130 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में हमें पेरीमीटर गिवन है, जैसे ये हमारी रेक्टेंगल होती है ना, इसका हमें पेरीमीटर गिवन है ऑलरेडी और लेंथ भी पता है 24 सेंटीमीटर, पर हमें फाइंड करनी है ये ब्रेथ। तो अब ध्यान से देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। अगर हमने ब्रेथ फाइंड करनी है, जो लेंथ फाइंड करना है उनके लिए भी फॉर्मूला है, तो यहाँ हमें फाइंड करनी है ब्रेथ, तो फॉर्मूला बन जाता है पेरीमीटर डिवाइड बाय 2। ये 2 जाके पेरीमीटर से देखिए क्या हो जाता है डिवाइड, और बच क्या जाता है यहाँ पे एल, एल हो रहा है इधर प्लस, उस साइड जाके हो जाता है माइनस। तो इट मीन्स ब्रेथ का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ओवर 2 माइनस लेंथ। देन अब यहाँ पे देखिए वैल्यूज को सिर्फ पुट करना है आपको, 88 ओवर 2 पहले डिवाइड हो रहा है एंड देन माइनस, इसका भी ध्यान रखना है। तो 2 वन ज़ा 2 44 ज़ा, तो आपके पास ब्रेथ कितनी आ गई 44 माइनस 24 बी इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब जो थर्ड पार्ट है उसमें पेरीमीटर एंड ब्रेथ गिवन, हमें लेंथ फाइंड करनी है, फिर सेम फॉर्मूला ही है, पेरीमीटर ओवर 2 माइनस ब्रेथ। उसमें हमने लेंथ को माइनस किया था, इसमें ब्रेथ को माइनस कर देंगे। अब देखिए लेंथ फाइंड करने के लिए हम वैल्यूज पुट करते हैं, पेरीमीटर 96 ओवर 2 माइनस 28, 2 वन ज़ा 2 फोर ज़ा 8, 2 एट ज़ा 16, 48 माइनस 28, 8 में से 8 गए 0 एंड 4 में से 2 गए 2। तो आपके पास आपकी लेंथ भी कितनी आ गई इस पार्ट की 20। अब यहाँ पे मीटर्स में था तो हम यहाँ लिख देते हैं मीटर्स, ये वाला पार्ट हमारे पास मीटर्स में था, तो हमारा आंसर आ गया 20 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड एट अ रेट ऑफ रुपीज 75 पर मीटर इज दिस। इट मीन्स अगर आपने एक स्क्वायर फील्ड को फेंस किया, फेंस मीन्स उसकी बाउंड्री पे कुछ लगाया है, जो पेरीमीटर होता है हमारा, उसकी कॉस्ट क्या आई है, टोटल कॉस्ट इतनी आई है और 1 मीटर के लिए इतने रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। अगेन सेम ऐसा ही क्वेश्चन हो गया जो हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था, अभी भी इस क्वेश्चन में भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जैसे ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 6-7 क्वेश्चन किया था कि टोटल कॉस्ट गिवन एंड 1 मीटर के लिए भी गिवन, हमें डिवाइड कर दिया तो हमारे पास टोटल फेंसिंग आ गई थी, कितने मीटर्स में फेंसिंग हुई है। तो ऐसे भी इसको इससे डिवाइड करके पेरीमीटर आ जाएगा। देन हमें फाइंड करना है पेरीमीटर, वो हमारे पास डिवाइड करने से आ जाएगा, उसके बाद हमें फाइंड करनी है साइड ऑफ द फील्ड। अब यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इतनी है, पर मीटर इतनी है, तो हमें निकालना है कि फेंसिंग कितनी हुई, मीन्स पेरीमीटर कितने हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू व्हाट, इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आ गया 900 मीटर। आप ये कंसेप्ट बहुत बेसिकली ध्यान से समझ सकते हैं। देखिए कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, अगर हमें किसी भी चीज़ की टोटल कॉस्ट निकालनी है तो हम ऐसे करते हैं कॉस्ट पर मीटर जितना भी हमें दिया होता है इनटू जो पेरीमीटर होता है हमारा, पेरीमीटर की जो भी वैल्यू होती है तो वो आ जाती है हमारी टोटल कॉस्ट। हम टोटल कॉस्ट गिवन दी तो पर कॉस्ट जो थी उससे हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया हमारा पेरी
मीटर। हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ द साइड। तो आपको फॉर्मूला पता है, साइड इंटू फोर हमारा पेरीमीटर होता है। और अगर हमें साइड फाइंड करनी है तो हमारा फॉर्मूला होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय फोर। तो अब आपको 900 को फोर से क्या कर देना है डिवाइड, तो हमारा आंसर आ गया 225 मीटर साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। क्वेश्चन नंबर 11, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर 36 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। लेंथ एंड ब्रेथ ऑलरेडी हमें गिवन है। इफ इट्स पेरीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जो इसका पेरीमीटर आएगा वो स्क्वायर का पेरीमीटर है, तो हमें स्क्वायर के साइड को फाइंड करना है। यहाँ पे आप देखिए, मैंने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिख दी, ब्रेथ भी लिख दी, और पेरीमीटर का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लिख दिया। हमें सिर्फ करनी है वैल्यूज को पुट। यहाँ हमने कर दी वैल्यूज पुट, 2 × इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ गया 64। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपके पास आ गया 128 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के। तो हम लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर। आपको चाहिए थी स्क्वायर की साइड, फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ओवर 4, 128 ओवर 4, कटिंग करके आ गया 4 वन्स हैं, 4 थ्रीज हैं, 4 टूज हैं, 32 सेंटीमीटर आपके पास साइड आ गई आपके स्क्वायर की। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 21 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स सर्कमफ्रेंस। और देखिए हमें क्या गिवन है कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है, 3/1/7। अब ये सर्कल का कंसेप्ट अब सारे स्टूडेंट्स के लिए एक नया कंसेप्ट है, तो सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए जैसे ये हमारा सर्कल होता है, सर्कल का सेंटर पॉइंट है, सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज ये ओ है और सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसको बोलते हैं रेडियस। तो ये रेडियस हमारे पास कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर। अब हमें पहले सर्कमफ्रेंस को समझना है। सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है ये जो बाउंड्री है इसका सम, ये टोटल। तो ये आपकी सर्कमफ्रेंस ही पेरीमीटर होता है, जैसे बाकी जैसे रेक्टेंगल स्क्वायर और फिगर्स के लिए पेरीमीटर बोलते हैं, स्क्वायर के लिए हम सर्कमफ्रेंस वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे देखिए स्क्वायर का भी हमने फॉर्मूला सीखा 4 × साइड पेरीमीटर निकालने के लिए, और रेक्टेंगल का सीखा 2 × l + b। इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है 2πr। अब ये पाए क्या है, ये एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू हमें सर्कल का एरिया निकालने के लिए पुट करनी होती है। जैसे यहाँ पे देखिए बुक में गिवन है कि पाई की वैल्यू को पुट करेंगे 3/1/7। तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास किस में दी हुई है, ये मिक्स में, तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो 7 × 3 = 21, 21 + 1 = 22/7। तो आप पाई की वैल्यू एग्जैक्ट ये याद करके रख सकते हैं 22/7 पुट करने के लिए। तो यहाँ आ गया, वैसे हम सीधा हमेशा यही वैल्यू पुट करते होते हैं जब भी पाई की वैल्यू आए 22/7। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 2, पाई की जगह देखिए क्या लिख दिया मैंने 22/7 × यहाँ पे क्या आना है हमारे पास रेडियस की वैल्यू, वो कितनी दी थी 21। तो 7 × 1 = 7, 3 × 2 = 22, 44 × 3 = 12, 3 × 4 = 12 + 1 = 13। हमारे पास आंसर आ गया 132 सेंटीमीटर। हमारे इस सर्कल का ये पूरा सर्कमफ्रेंस, मतलब लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। अब हमने आज क्वेश्चन नंबर 12 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं डिटेल में। इनकेस के डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर किया कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।